तो दोस्तों एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा कंपनी ने लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 2,789 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 1,798 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,917 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 7 से 8% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। जी हाँ, एक अच्छी खासी गिरावट है, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं साल दर क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 35% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2687 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1749 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1861 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे साल दर साल ठीक है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू गिना वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी चिंता वाली बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में 113 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल कंपनी लॉस में थी, अप्रोक्सीमेटली 4.85 करोड़ के लॉस में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी मुनाफे में आती हुई देखने को मिली, 77 करोड़ का कंपनी को इस क्वार्टर में मुनाफा होता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी फाइनली काफ़ी लंबे समय के बाद, मतलब पिछले साल कंपनी घाटे में डील कर रही थी, लेकिन कंपनी इस क्वार्टर में मुनाफे में आती हुई देखने को मिली। चलिए कंपनी ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 60 पैसे का, पिछले साल देखे तो 0.03 माइनस का, अभी देखे तो 42 पैसे प्लस का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर मैंने नंबर को समराइज करूं तो देखिए साल दर साल नंबर बहुत शानदार है, साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है, हालांकि ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 6-7% के आसपास ही बढ़ा है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है और साल दर साल कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई देखने को मिली। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के जो नंबर है थोड़े से कमजोर देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से मिक्स टाइप के नंबर है, ज़्यादा कुछ तोड़फोड़ वाले नंबर तो नहीं लग रहे हैं, हाँ लेकिन हाँ 2-4% के आसपास की तेजी आपको इस नंबर के बाद हो सकता है कल के सेशन में देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।